ओए गाइस 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मैं हूं अनिमेश। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारे साथ होंगी नन अदर देन मेरी बहुत ही करीबी, हम सबकी फेवरेट एकावली खन्ना, एक्ट्रेस एकावली खन्ना इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में। एकावली कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ यहाँ आके। वेल, मैं बता दूं कि करीब 40 मिनट का ये इंटरव्यू है, बिल्कुल लाइव आप हमें देख पाएंगे। और अभी इस वक्त हमें बिल्कुल लाइव ऑन एयर जाना है, तो पहले तो स्वैग से स्वागत उनका करेंगे हम ऑन एयर, तो आप हमारे साथ बने रहो। लो जी लो, चालू हो गया, 12:01 हो गया है टाइम। 91.9 फ्रेंड्स एफएम, शो का नाम है फ्रेंड्स संडे फंडे, और दूसरा घंटा जो है फ्रेंड्स संडे फंडे का चालू हो चुका है। और हर संडे को मैं अकेले रहता हूं, लेकिन इस वक्त दुकेले हो चुका हूं, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस एकावली खन्ना इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। एकावली, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स एफएम में। शुक्रिया। मैं बता दूं कि जब जब एकावली के साथ बातें होती है काफी अच्छा लगता है। और सबसे पहले तो मैं पूरे फ्रेंड्स एफएम की टीम की ओर से, इनके फैंस की ओर से, कोलकाता की ओर से बधाई देना चाहूंगा। अंग्रेजी में कहते हैं, जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी तो मूवी के प्रमोशन के लिए जब कोलकाता शहर में आप सभी थे, यानी कि आप थे, संजय सर थे, तो हमारी बातें हुई थी। और अब बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ सबसे पहले तो एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाहेंगी, अंग्रेजी में कहते हैं का। देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं मेरे लिए बहुत स्पेशल फिल्म है, क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म थी एज अ लीड कैरेक्टर जी। संजय मिश्रा जैसे दिग्गज कलाकार के साथ मैंने काम किया है, और मैं उस कैरेक्टर से बहुत आइडेंटिफाई करती हूँ। आई मीन, मैं किरण जैसी नहीं हूँ, बट व्हाट आई मीन इज कि देश भर में, खास करके हिंदुस्तान में, किरण जैसी लाखों करोड़ों औरतें हैं। तो मुझे लगा कि उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस फिल्म में है, और बहुत प्यारी स्क्रिप्ट है। बहुत लोगों ने नहीं देखी हॉल में, लेकिन अब अमेज़न प्राइम पे है तो बहुत लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है। मैं अभी उस दिन अपने एक दोस्त से कह रही थी कि मेरा ट्विटर अकाउंट जो है ना, वो बड़ा बेजान सा था जी, लेकिन जब से अमेज़न प्राइम पे आई है, अंग्रेजी में कहते हैं, तब से बहुत लोग देख रहे हैं और बहुत लोग ट्वीट भी कर रहे हैं उसके बारे में। तो तसल्ली हो रही है कि लोग हमारा काम देख रहे हैं। तो मुझे बताना चाहेंगे, जब आपको ये रोल बताया गया था कि आपको किरण का रोल करना है, कैरेक्टर जो था बहुत ही संजय सर के अपोजिट आपको नजर आ रही है, यानी कि उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही है, तो कभी सोचा था इस तरह का होगा कि मूवी इतनी अच्छी हो जाएगी, लोगों को पसंद आएगी, लोगों के दिल को छुएगी और हर घर की कहानी जैसी ये मूवी रहेगी? जी, वो स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है। देखिए, मैंने ऑडिशन बम्बई में दिया था, और मेरे लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस टाइम कि संजय मिश्रा के ऑपोजिट मुझे कंसिडर किया जा रहा है जी। और मेरा ऑडिशन काफ़ी मुश्किल था, मतलब 7-8 सीन मुझसे डायरेक्टर ने करवाए थे वहाँ, तो इनफैक्ट संजय मिश्रा भी थे वहाँ रीडिंग के दौरान जी। और जब ये मैं ऑडिशन भी दे रही थी, मुझे लगता था कि कितनी स्पेशल फिल्म है, काश मुझे ये मिल जाए जी। और फिर फाइनली वो फिल्म बनी, बनारस में शूट हुई, फारूक मिस्त्री साहब ने हमारे DOP थे, तो बहुत एक खूबसूरत, विजुअली बनारस बहुत खूबसूरत है जी। और वो फिल्म जिस तरह से बन के उभर के आई है, मुझे तसल्ली है उस फिल्म को करके, और एक खुशी है। और अब जब लोग तारीफ कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं खास करके मेरा काम, तो आई थिंक एक कलाकार के लिए इससे बढ़कर तो बिल्कुल मेहनत जो है वो रंग लाई है। पूरी की पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला OIFFA 2018 में। कुछ इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ओटावा में, ओटावा कनाडा में इंडियन फिल्म फेस्टिवल होता है, तो उसमें मुझे अवार्ड मिला है। और वहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि दे डोंट हैव बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, दे जस्ट हैव अ बेस्ट परफॉर्मेंस कैटेगरी। और ये बहुत मतलब लाइनअप बहुत कमाल का था इस फेस्टिवल का। इसमें बहुत सी फिल्में थी, कुछ हिंदी फिल्में थी, कुछ मलयालम फिल्में, मराठी फिल्म चुंबक जो अभी स्वानंद किरकिरे साहब की फिल्म, बहुत उसकी तारीफ सब जगह सुन रहे हैं, और एडम मलयाली फिल्म थी, भस्मासुर जीती बेस्ट फिल्म वहाँ। तो बहुत अच्छे लाइनअप में जब एक अच्छी जूरी जो है आपको चूज करती है, आपके परफॉर्मेंस की तारीफ करती है और आपको
शाबाशी देती है, तो अच्छा तो लगता ही है बिल्कुल। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि और भी आप इस तरह के चैलेंजिंग रोल्स करें और अवार्ड्स इसी तरह आपको मिलते रहे। लेकिन राइट योर राइट नाउ, चार चार गाने हैं, हम इन चार गानों को सुनेंगे। एकावली के साथ हमारी ढेर सारी बातें होने वाली है। हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आप इस इंटरव्यू को बिल्कुल लाइव देख सकते हैं। जी हाँ, ऑफ एयर भी ढेर सारे सवाल मैं उनसे पूछने वाला हूँ, ऑन एयर भी उनसे सवाल पूछने वाला हूँ। ये सब कुछ आज फ्रेंड्स एफएम पे आप फ्रेंड्स संडे फंडे के इस घंटे में सुन पाएंगे। तो हमारे साथ बने रहो, अभी के लिए चार चार रॉकिंग नंबर्स यानी कि इस घंटे का फ्रेंड्स ऑसम फोरसम, चलिए एक साथ सुनते हैं। ओए गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस वक्त बिल्कुल लाइव हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हम हैं और हमारे साथ एकावली हैं। एकावली के साथ ढेर सारे सवाल मैं पूछने वाला हूँ। जी हाँ, ऑन एयर जितने सवाल होंगे उससे ज्यादा सवाल ऑफ एयर यानी कि हमारे फेसबुक पेज पे रहेंगे, क्योंकि लोग यहाँ पे वर्ल्ड वाइड हमारे साथ धीरे धीरे करके जुड़ते जाएंगे। एकावली, जैसे कि आपने कहा कि ऑफ एयर जब आपके साथ बातें हो रही थी, करीब करीब 4 से 5 साल हो गए हैं आप इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं और एक के बाद एक अच्छे अच्छे रोल्स में आप नजर आ रही हैं, तो ये शुरुआत कैसे हुई थी हम सब जानना चाहेंगे, क्योंकि अब अच्छे अच्छे एक्टर्स में से एक आपको माना जाता है, आप बहुत अच्छे अच्छे रोल्स कर रहे हैं, तो शुरुआती दौर की कुछ हमारी मेमोरीज अगर शेयर करें। देखिए, शुरुआत एक्चुअली मेरी कलकत्ता से हुई थी। सबसे पहला जो मेरा काम था वो था एक आकाश नील, पता नहीं शायद लोग देखते होंगे और आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब तकरीबन 7-8 साल बाद भी लोग अभी भी मुझे रास्ते पे रोक के पूछते हैं कि आप वही पूजा हैं जो एखा नया आकाश नील में थी। क्या बात है। तो एक छोटा सा वो यानी कि आपके किरदार को लोगों ने पहचाना, याद रखा। मुझे बहुत प्यार मिला है उस किरदार की वजह से और मुझे बहुत मजा आया उस टाइम काम करके। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था एंड आई थिंक आई एम अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ। ऐसा नहीं कि मेरे पास हमेशा से बहुत काम रहा है, अब जाकर टचवुड यू नो कॉन्स्टेंटली दिस वर्क पोरिंग इन, बट एक दौर ऐसा भी था कि थोड़ा थोड़ा काम आता था जी। और बम्बई के बारे में तो खैर मैंने सोचा ही नहीं था, मैं यहाँ बंगला फिल्मों में छोटे छोटे रोल कर रही थी। और फिर 2014 में नीला माधव पांडा साहब की पहली मतलब मेरी पहली हिंदी फिल्म कौन कितने पानी में जी, उसके लिए मैंने ऑडिशन किया। उन्हीं के कास्टिंग डायरेक्टर चंद्रनाथ मिश्रा, उन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने यहाँ से ऑडिशन भेजा और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। यू नो आई इन दैट फिल्म आई प्ले अ हुकर। सो नॉर्मली मुझे एक तो ये बहुत फैसिनेटिंग लगा कि कोई कास्टिंग डायरेक्टर मुझे इस रोल में इमेजिन भी कर रहा है। तो फिर मैंने वो ऑडिशन कई बार किया पर मुझे वो लगा कि पता नहीं ये भेजने लायक है कि नहीं। तो मेरे ख्याल में 10-12 बार करने के बाद आई फाइनली मैनेज टू डू एन ऑडिशन दैट आई वॉज सेटिस्फाइड विद और मैंने भेजा और बस एक दिन के अंदर उनका जवाब आ गया। क्या बात है। फिर उसके बाद से फिर बहुत सारी चीजें लाइफ में बहुत कुछ बदला उसके बाद जी, चेंजेस बहुत आए गए क्योंकि और मैंने बहुत सारे नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स के साथ काम किया जी। उसके बारे में तो हम सब जानना चाहेंगे क्योंकि आपने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स और अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया है। जैसे कि आप थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे आप बहुत लकी मानती हैं अपने आप को। बहुत खुशकिस्मत हूं मैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ, और क्या लगता है अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने से अपनी भी ग्रूमिंग जो है वो हो जाती है, अच्छी अच्छी चीजें आप सीख सकते हैं। क्या मैटर करता है कि आपकी जिंदगी में क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। बिल्कुल, यू नो हाउ यू आर लिविंग, हाउ ईच एक्सपीरियंस इज एनरिचिंग योर लाइफ, आई थिंक दैट इज व्हाट काउंट्स। एब्सोल्युटली। और मैं इस मामले में बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि कौन कितने पानी में भी सौरभ शुक्ला थे, गुलशन ग्रोवर साहब थे, तो मतलब कुणाल राधिका भी थी, राधिका आप्टे। तो एक अब शुरुआत भी अच्छी हुई। उसके बाद मैंने आदिल हुसैन साहब के साथ काम किया, उनके साथ तो खैर मैंने 2 फिल्में की हैं, एक्चुअली 3, इवन बायोस्कोप वाला में ही आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑपोजिट हिम, लेकिन हमारे साथ में कोई सीन्स नहीं है। लेकिन पहले जेड क्लास चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म और उसके बाद फिर वॉटल पीपल से वाविल फोक्सी नॉर्वेजियन फिल्म, वो भी मैंने आदिल साहब के साथ की है। खैर वो तो मेरे गुरु हैं एक तरह से, मैंने उनकी मास्टर क्लासेस भी की हैं, तो सीखने को तो मेरे ख्याल में कोई भी उनके आसपास अगर हो तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा। और अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करके ना आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, समझ जाते हैं और इट्स लाइक गेनिंग नॉलेज, इट्स लाइक गोइंग टू एक्टिंग स्कूल, आई मीन इन अ वे। तो ये शुरुआत जब हुई एकावली, मैं जानना चाहूँगा आपको रोल्स मिलने शुरू हुए धीरे धीरे करके, तो इंटरनेशनल मूवीज भी आपने की हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी मूवीज जैसे कि आप बता रही थी कि बहुत सारे ऐसे मूवीज हैं जहाँ पे आपने रोल किए हैं, इंटरनेशनल डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया, तो वो एक्सपीरियंस हमारे साथ थोड़ा शेयर कीजिए। देखिए, इंटरनेशनल फिल्म्स मुझे ऑडिशन दे के ही मिली हैं। मतलब अगर मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते मुंबई में
तो मैं तो बिल्कुल बेरोजगार होती बिकॉज वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत स्ट्रक्चर्ड है. द कास्टिंग इंडस्ट्री इज वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड द पीपल हु आर कास्टिंग आर वेरी पैशनेट अबाउट फाइंडिंग द राइट फेसेस. बम्बई में खूबसूरत लोगों की कमी नहीं है, टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, लेकिन अब क्या है कि लोग तलाशने लगे हैं नए चेहरे और सबसे ज़्यादा सूटेबल कैरेक्टर्स फॉर द रोल. सो वो सब जो है हो रहा है और कास्टिंग डायरेक्टर्स दे रीच आउट टू यू, आपको स्क्रिप्ट भेजते हैं, आपको मौका मिलता है कि आप अच्छी तरह उसे करके भेजें. जी. तो मुझे जितने भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं वो ऑडिशन देके ही मिले हैं और आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट आई वुड से. बिल्कुल. जैसे कि काबली ने थोड़ी देर पहले ही बताया था हमें कि अच्छे अच्छे लोगों के साथ उन्होंने काम किया, अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया. तो मैं जानना चाहूंगा, एक्टर्स की बातें करें, आदिल सर तो आपके मेंटर हैं हम कह सकते हैं, उनसे आपने बहुत कुछ सीखा है. गुरु भी हैं और को-एक्टर भी रह चुके. बिल्कुल. और संजय सर के साथ जब आपने काम किया, क्योंकि हम जब आपके बेस्ट एक्टर अवार्ड जो आपको मिला है उसके लिए बातें कर रहे हैं, तो संजय सर के साथ काम करना कैसा रहा? क्योंकि बहुत ही मजाकिया इंसान है, बहुत मेरे अभी तक के सबसे मजेदार को-एक्टर. माय डियर को-एक्टर जो होता है ना वही है संजय सर. मैं भी उनसे मिला हूँ, मेरे साथ भी उनकी करीब करीब एक घंटे की बातें हुई थी. तो कमाल का वो माहौल था और एकाबली भी थी वहां पर और हम इंटरव्यू जब कर रहे थे तो बड़ा मजा आया था. तो उनके साथ सेट पे कैसा लगता है, अगर कुछ बताएं आप? देखिए वो एक तो उनकी एनर्जी जो है ना, उनमें इतनी ज्यादा एनर्जी है कि मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि मिश्रा जी जैसे 2 साल के बच्चे में एनर्जी होती है ना, कि आप उसको चाहकर भी रोक नहीं सकते, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. तो ये हमारा शूट उस लिहाज से काफ़ी मुश्किल था, मतलब कई घंटों तक चलता था, 14-15 घंटे भी हम शूट करते थे. बट मिश्रा जी के रहने से ना सब चार्ज्ड रहते थे हमेशा. और उनका जो एक्टिंग का प्रोसेस है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत स्पॉन्टेनियस है वो, बहुत इम्प्रोवाइजेशन बहुत करते हैं. तो बहुत मजा भी आया उनके साथ और सीखने को भी मुझे बहुत कुछ मिला. अंग्रेजी में कहते हैं कि शूटिंग जो है वो बनारस में हुई थी एकावली, तो वो हमारे साथ बताएंगे कि मुझे खबर मिले थे कि बनारस के रास्तों में संजय सर खुद ही चला करते थे और उनके हाथों में कभी कभी गाने गाया करते थे. वो हमारी जो लोकेशन थी ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो हम वाकई में वो गलियों की गाड़ी कहीं और लगती थी, फिर हम उन गलियों रेडियो लेकर घूमा करते थे. हाँ, वो तो रेडियो लेकर घूम, वो वैसे भी हमेशा ब्लूटूथ स्पीकर जो है उनका, अच्छा उनका ब्लूटूथ स्पीकर है, उसको लेकर चलते हैं उसको, और वो लुंगी सी पहनते हैं जी. मतलब और उसके बाद उनका पूरा पैराफर्नेलिया होता है और हम बेचारे सारे को एक्टर्स भी उनके पीछे पीछे. वैसे हमें मजा भी बहुत आया, लेकिन उन गलियों के बीच में से गुजर के फिर हम अपने लोकेशन पे पहुंचा करते थे. तो संजय मिश्रा का तो ये है कि वो गाना बजाना बहुत पसंद करते हैं, तो वो बोट से आते थे लोकेशन पे. बोट से? जी, गंगा जी. अच्छा. तो वो बोट में भी तो बोट में भी वो गाने सुनने का अलग ही मजा आता होगा. मिश्रा जी के साथ मैं, शिवानी, अंशुमन, हम लोग बोट में बैठ के लोकेशन पे पहुंचते थे और उनको बोट से आना ज्यादा पसंद था बजाय गाड़ी घूम घूम के आए. तो बोट से वो छोटा था रास्ता पर वो था कम्बरसम, बट तो वो गाने उन्हें गाया करते थे. और कुछ खाने के भी शौकीन है, किस्म का वो संगीत सुनते हैं और हर किस्म का संगीत उनके पास है जी. आई मीन चाहे वो इंडियन क्लासिकल हो, चाहे वो जैज हो, चाहे वो फोक म्यूजिक हो, चाहे वो अफ्रीकन म्यूजिक हो, ग्रीक म्यूजिक, पता नहीं क्या क्या है उनके पास, और गजलें वगैरह तो है ही. और मतलब बनारस देखिए बहुत कल्चरली रिच जगह है, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो वहाँ हम लोग सब गंगा जी के पास बैठ के छन्नूलाल मिश्रा का संगीत भी सुना है हमने, और हमने हैरी बेलाफोंट भी सुना. तो हमने एक मजा भी किया, वो एक इट वाज अ डिमांडिंग शूट इन टर्म्स ऑफ यू नो हाउ मच वी वुड अकम्प्लिश इन अ डे, बट संजय मिश्रा हैज द कैपेसिटी टू मेक अ डिफिकल्ट डे एट वर्क फन. बिल्कुल. अगर आपके एक्टर्स ऐसे हों जो बहुत ही फनी हैं और बहुत ही अच्छे भी हैं, तो आपकी जो थकान है वो दूर हो जाएगी और आपका काम जो है वो आराम से हो जाएगा. बिल्कुल. एक आपने जैसे कि आपके साथ बात हुई, थोड़ी देर में इस गाने के बाद हमें एक बार फिर से ऑन एयर जाना है और भी ढेर सारे सवाल उनसे पूछने हैं. एक आपकी शुरुआत हुई, उसके बाद मूवीज आनी शुरू हुई, लेकिन हमने हमेशा से देखा है कि लोग जब फेमस होने लगते हैं, लोगों को काम पसंद आने लगता है, तो वो टीवी सीरियल्स भी करते हैं, मूवीज भी करते हैं, हर तरह के रोल करना चाहते हैं, लेकिन हमने टीवी में फिर आपको रिटर्न बैक करते हुए नहीं देखा, हमने आपको कम इसमें नहीं देखा टेलीविजन पे. देखिए टेलीविजन दीस डेज इज अ वुमेन्स मीडियम जी. मुझे बहुत ऑफर्स आते हैं टेलीविजन से, हर महीने 2-4 फोन्स तो आते ही हैं जी. पर मुझे इंडियन टेलीविजन अभी एज ऑन डेट बिल्कुल एक्साइट नहीं करता इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट. I think Indian television needs to grow up. क्या सबसे खराब लगती है वो, क्या क्या चीजें हैं वहाँ पे देखिए जो आपको पसंद नहीं आता? मुझे तो शायद कुछ भी पसंद नहीं है, पर ये जो
काला जादू जी और ये जो नागिन बनना चाहेंगे, सवाल ही नहीं है, मतलब मैं भूखी मर जाऊंगी, मैं कोई दूसरा काम कर लूंगी, मैं रोल की दुकान खोल लूंगी, पर मैं नागिन और वो सब मैं नहीं कर पाऊंगी। और मुझे लगता है कि कुछ कहानी नहीं होती उसमें, हम पीछे ढकेल रहे हैं सोसाइटी को वो सब दिखा के, मुझे बहुत एतराज है इस चीज से। एंड ऑल्सो आई थिंक मैं एक बहुत कंटेंट इंसान हूँ, मैं बहुत कंटेंट हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा और फेम के पीछे मैं बिल्कुल नहीं भाग रही हूँ, मेरे लिए एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं कि किस तरह से मैं जीती हूँ, किन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, क्या काम करती हूँ, जो कहानियाँ जिन कहानियों का हिस्सा मैं हूँ वो कैसी कहानियाँ हैं, मतलब आज से 200 साल बाद भी या 300 साल बाद भी लोग मेरी फिल्म, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा फिल्म का जो देखना चाहेगा वो फिल्म, तो जैसे वाटर पीपल से है, ये एक ऐसी फिल्म है मैं यकीन से कह सकती हूँ कि कई कई साल बाद भी लोग देखेंगे। बिल्कुल, बायोस्कोप वाला भी एक ऐसी फिल्म है। बिल्कुल, बायोस्कोप लेकर हम थोड़ी देर में बातें करने वाले ऑन है, बिल्कुल 50 सेकंड बाकी है। बायोस्कोप वाला में इनका रोल जो था लोगों को बहुत पसंद आया, छोटा रोल था लेकिन लोगों के दिल को छू गया, बिल्कुल इसको लेकर ऑन है हम बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और जब थोड़ा समय है तो मैं जानना चाहूंगा बेस्ट एक्टर आपको कौन लगता है, आपका फेवरेट एक्टर कौन है, फेवरेट कोई एक्टर जो आपको बहुत करीबी है, आपको बहुत पसंद है उनका रोल? मुझे सबसे ज्यादा पसंद हैवियर बारडम है। ओके, मुझे मतलब मुझे तो खैर मोहब्बत भी है उनसे, तो उनके जैसा एक्टर मैं, बट अगेन इंडिया में भी बहुत सारे जी थोड़ा लोकल आ जाते हैं, लोकल इंडिया लोकल में आ जाते हैं, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं ऐसे स्टेज में हूँ कि सिर्फ ब्लाइंडली ये कहना हाँ हैवियर बारडम बहुत खास है मेरे लिए। मैं रोकूंगा एक अवली को, क्योंकि इस वक्त ऑन एयर में जाना है। बिल्कुल, आप इस वक्त हमें बिल्कुल लाइव हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, यानी कि मैं बातें कर रहा हूँ 91.9 फ्रेंड्स एफएम के ऑफिशियल फेसबुक पेज की। 12:17 हो गया है टाइम, दूसरा घंटा फ्रेंड्स संडे फंडे का चल रहा है और मैं अनिमेश स्टूडियो के अंदर हूँ मेरी फेवरेट एक्ट्रेस एकावली खन्ना के साथ, जिनको एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहूंगा, बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको मिल चुका है, अंग्रेजी में कहते हैं इस मूवी के लिए इनको मिला है, और बहुत ही अच्छा रोल था। संजय मिश्रा सर के बारे में हम थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे और उनके अपोजिट पे नजर आई थी, यानी कि उनके वाइफ का रोल उन्होंने प्ले किया था, और घर की कहानी कही जा रही थी इसको, क्योंकि हर एक इंसान कर सकता है कि एक टच जो था वो लग रहा था कि भाई मेरे घर की कहानी है या मेरे पड़ोसी की कहानी है, या फिर हाँ मैंने भी तो इसी तरह किया था अपने वाइफ के साथ, तो इस तरह की चीज़ें दिखाई गई थी और लोगों को बहुत पसंद आया, इसीलिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड एकावली को मिला है। वैसे एकावली मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत ही आप लकी हैं जो अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स के साथ आपने काम किया, तो मैं जानना चाहूँगा डैनी सर के साथ भी आपने काम किया है? जी हाँ, डैनी सर एंड प्रेम चोपड़ा साहब के साथ भी काम किया, वो एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ शेयर करें ऑन एयर। डैनी सर तो क्या कहूँ, एक आइकॉन है जी। तो सबसे अच्छी बात उनकी है जो उनका जो एक टेम्परमेंट है ना, जो एक ग्रेस है, उसका कोई जवाब ही नहीं है, मतलब सो मच ग्रेविटी ही हैज, तो वो जब सेट पे आते हैं ना तो वो एक एनर्जी लेके आते हैं, और बिल्कुल सच बात बता रही हूँ आपको, सेट पे मेरे ख्याल में हम जितनी भी लड़कियाँ थी, चाहे एक्टर्स चाहे एरीज चाहे, वी ऑल हैड अ लिटिल क्रश ऑन डैनी सर, बिकॉज वो ही इज जस्ट सच अ ग्रेशियस मैन, और खैर कमाल के एक्टर है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि वो ना ब्रांड एंडोर्समेंट वाले एक्टर नहीं है, वो सचमुच के सुपरस्टार है, क्योंकि सिर्फ अपनी एक्टिंग के बेसिस पे उन्होंने इतना नाम इतनी शोहरत कमाई और इतनी सारी फिल्में की, आई मीन अलग अलग किस्म की फिल्में उन्होंने की हैं, और आज भी जब वो होते हैं ना तो एक स्क्रीन पे तो वो उस सीन के मालिक होते हैं जी। मतलब ये डैनी सर की एक खासियत मुझे लगती है कि जब वो स्क्रीन पे होते हैं तो आप किसी को नहीं देखते, तो उनके साथ तो मिलके बहुत ज़्यादा मेरा तो नहीं था उनके साथ, बट डेफिनेटली बिकॉज वी पार्ट ऑफ द सेम फिल्म, मुलाकात तो होती थी, और मुझे बहुत खुशी है कि बिल्कुल डैनी सर का एक डायलॉग मुझे याद आ गया, जब मैं एकावली के साथ अभी बातें कर रहा था तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी डायलॉग कही थी, उनकी आवाज़ तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा लेकिन उनके पूरे रिस्पेक्ट के साथ मैं कहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि अगर दुश्मन अगर ताकतवर हो, सामने वाला दुश्मन अगर ताकतवर हो तो उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, अपनी उम्र बढ़ जाती है।
ये एक डायलॉग था उनका, बहुत ही फेमस हुआ था, कौन सा की नजिया, अलग ही उनका एक अंदाज है। और उनके बारे में प्रेम चोपड़ा साहब, हाँ जी, उनकी वो ही हम थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे, अभी भी वैसे ही हैं, आप तो अभी मिली हैं उनसे, तो मैं जानना चाहूंगा वैसे ही हैं जैसे, जी कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है बिल्कुल। क्या और वो इतने फिट लगते हैं और वो इतना डिसिप्लिन है, और यू नो उनके लिए फ्रूट इतना कट के आता है, वो बड़े तरीके से सबको ऑफर करते हैं, बहुत इतने विनम्र इंसान। ये हम कह सकते हैं ये उन एक्टर्स में से हैं जो डाउन टू अर्थ हैं, इतना कुछ पाने के बाद भी उनके अंदर में किसी तरह का कोई कोई वो नहीं है, एकदम डाउन टू अर्थ है। तो मुझे बताना, प्रेम चोपड़ा साहब के साथ भी आपने काम किया, अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ आपने काम, उनके उनकी कुछ मेमोरीज हमारे साथ अगर शेयर करें। प्रेम साहब बहुत मजेदार है, मतलब वो मुझे उनके साथ काम करके एक अलग ही मजा आया, बिकॉज मैं हमेशा उनको स्क्रीन पे देखा है जी, यू नो, एंड एक वो जो एक विलेन वाली बात हमारे दिमाग में कहीं पे है, प्रेम चोपड़ा इज सिनोनिमस विद बीइंग अ विलेन, उनसे ज्यादा मीठा इंसान दूसरा कोई नहीं, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जब प्रेम चोपड़ा साहब की बातें कर रहे हैं, तो कुछ मूवीज की भी बातें आपकी होनी चाहिए जो सभी के दिल को छुई, उनमें से एक है बायोस्कोप वाला जी, आप आपका जो रोल था लोगों को बहुत पसंद आया, तो वो अगर हमारे साथ शेयर करें का भी। देखिए वो भी एक ऐसा रोल है जो मैंने यहाँ से ऑडिशन किया था, और ये बिकॉज एक अडेप्टेशन है, तो इसमें मिनी की माँ नहीं है, बट मेरा कैरेक्टर था कि मैं उसके फादर की मिनी आपने काबरी वाला की कहानी तो पढ़ी होगी जी, जी, तो उसके फादर की गर्लफ्रेंड हूँ। जो मुझे ब्रीफ दिया गया था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, कि वो शी इज द गर्लफ्रेंड बट शी इज नॉट रियली allowed in the house, she's not really okay. part of the household. तो वो दूर से बाहर उसके फादर का रिश्ता है, एंड बड़ी खूबसूरती से हमारे डायरेक्टर ने जो है पूरा जो ग्राफ था ना रिलेशनशिप का, वो फिल्म में ना होते हुए भी है, जैसे ऐसा नहीं है कि बचपन से लेके जब तक मिनी बड़ी होती है बहुत कुछ दिखाया है, कुछ कुछ सीन्स हैं, लेकिन उस उन कुछ कुछ सीन्स में भी ना वो पूरी कहानी जो है ट्रैक जो है वो इतनी खूबसूरती से पूरा किया गया है, तो मुझे बहुत तसल्ली हुई वो काम करके। और बहुत से क्रिटिक्स ने लिखा था वी वांटेड टू सी मोर ऑफ शोभिता एंड मिनी, तो एंड बिकॉज जैसा कि मैंने कहा ये मॉडर्न डे अडैप्टेशन है, फिल्म बहुत स्पेशल फिल्म है मेरे लिए, इट इज आई थिंक इवन एज एन ऑडियंस जब मैंने बायोस्कोप वाला देखी, तो एक तो मैं इतना रोई हूँ उस कि शायद ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो मतलब at least I can't think of another Indian film where I cried so much, but when I watched Bioscope Wala it was uncontrollable, it's a very overwhelming film. You know aajkal aap film mein dekh ke aapko entertain ho jate hain lekin aap mehsoos nahi karte bahut si cheezein, to Bioscope Wala ek aisi film hai jahan I think you feel very deeply about kya baat hai. Well ab hum aage badhenge aur is interview ko aur aage hum badhane wale hain, aur ek chota sa break abhi hum lene wale hain, lekin hamare official Facebook page pe aap hame abhi bhi sun sakte hain, dekh sakte hain, kyunki bahut sare sawal hain jo hum aaj puchne wale hain, main puchne wala hu Kabli se. To abhi ke liye chota sa break lete hain, break ke baad aap sabhi ke liye aane wale do do gaane, in dono gaano ko enjoy karo, ek baar fir se mulaqat bas thodi der mein, main hu studio ke andar Kabli Khanna ke saath. जैसे कि हम बातें कर रहे हैं, काबली ने कहा कि बायोस्कोप वाला में जो रोल था उनका बहुत पसंद आया, और एक ऐसा रोल है जो लोगों को पसंद आ रहा है, और उसके बाद शुरुआत जब हुई और आपने अच्छे अच्छे रोल्स करने शुरू किए, मूवीज में आप गई, और हमने देखा कि अब नॉर्वे की मूवीज में भी एक मूवी में आप नजर आई हैं, तो इसके बारे में बताएंगे वो आपका रोल. तो इस फिल्म में मेरा नाम नजमा है, पाकिस्तान में ही है, जैसे सो शी नाइदर बिलोंग्स टू पाकिस्तान एंड शी नाइदर बिलोंग्स टू नॉर्वे, और उसका जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता है उस वो एक्सप्लोर किया गया है इस फिल्म में हमारे ट्रैक में, और ये बहुत ही स्पेशल फिल्म है, मतलब आई थिंक इट्स ट्रैवल टू द बेस्ट फेस्टिवल्स इन द वर्ल्ड, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इट वाज द ओपनिंग फिल्म इन द प्लेटफॉर्म सेक्शन, उसके अलावा गोटेनबर्ग में अभी ये जीती है बेस्ट नॉर्डिक फिल्म, तो गोटेनबर्ग तो हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा प्राइज जो है वो गोटेनबर्ग फिल्म फेस्टिवल का है, तो उसके अलावा मेरे ख्याल में 14 नॉमिनेशन मिल चुके हैं, तो ये फिल्म बहुत ट्रैवल कर रही है, 11 देशों में रिलीज हुई है, सो वो भी एक बड़ी खुशी की बात होती है एक आर्टिस्ट के लिए कि मेरा काम किसी दूसरे देश में अनजान लोग देख रहे हैं,
मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है और मुझे लग रहा है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो लिसनर्स हैं, उनके दिमाग में भी आ रहा होगा। काबली आप जितनी भी मूवीज कर रही हैं वो अवार्ड विनिंग मूवीज हैं, लोग देख रहे हैं और पसंद आई, लेकिन जो आजकल जिस तरह की मूवीज बन रही है और थिएटर्स में हम देख रहे हैं वैसी मूवीज से ज्यादा आप जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि हमने अंग्रेजी में कहते हैं मूवी देखी, लेकिन वैसी मूवीज में आप क्यों नहीं ज्यादा नजर आती है? वो वैसी म्यूजिक मूवीज करना आपको पसंद नहीं है कि आप ज्यादा वैसी मूवीज पसंद? आई थिंक हमको खुद को रीइन्वेंट करना चाहिए जी। अब मैंने वीरे दी वेडिंग भी की है, बहुत छोटा सा रोल था, मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि लोग मुझे उसमें प्राइमरी कास्ट में गिन कैसे रहे हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली क्रिटिक्स ने मेरे बारे में भी लिखा है जी। तो वो एक बिल्कुल अलग फिल्म रही है। लेकिन आपको अवार्ड इस तरह की मूवीज ज्यादा पसंद है? वो उस किस्म की फिल्में मेरे पास ज्यादा आती हैं, शायद मैं उस किस्म की एक्टर हूँ या मेरा चेहरा जो भी है, आई डोंट नो। सो बहुत कमर्शियल फिल्में मेरे पास अभी तक तो नहीं आई है, पर एज एन एक्टर मुझे लगता है खुद को रीइन्वेंट करना जरूरी है, एक मोल्ड को तोड़ना जरूरी है। कोई ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पैरेलल सिनेमा का ही चेहरा है। तो अब जब मौका मिलता है तो करती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ एक और रॉनी स्क्रूवाला साहब की फिल्म में, उसके बारे में अभी बातें नहीं करें, नेक्स्ट इंटरव्यू में बातें करेंगे। बिल्कुल। वैसे स्क्रिप्ट जब आप पढ़ती हैं एकाबली, आपको जैसे कि ऑफ एयर भी बताया कि स्क्रिप्ट्स इतने सारे आपके आ रहे हैं, तो क्या क्या चीजें आपके दिमाग में सबसे पहले रहती है? आप डायरेक्टर का नाम सबसे पहले होता है कि आपके को एक्टर का नाम दिमाग में आता है कि स्क्रिप्ट पे आप ज्यादा ध्यान देती है, अपने कैरेक्टर पे ध्यान देती है? तो ये कि एक डायरेक्टर सबसे पहले तो हम लोग गूगल करते हैं आजकल, गूगल के जमाने, अगर कोई नया डायरेक्टर है तो उससे पहले क्या काम किया है, और अगर कोई एस्टैब्लिश डायरेक्टर है तो एक यू नो यू स्टार्ट ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। बट मैं ये भी कहूँगी कभी कभी कुछ बिल्कुल नए डायरेक्टर्स, अभी पिछले संडे की बात बता रही हूँ, एक नए डायरेक्टर ने बिल्कुल मुझे तोथागोता है उसका नाम, उसने मुझे कहानी सुनाई और मैं हैरान हूँ कि उसने इतनी बढ़िया कहानी लिखी है। तो फाइनली तो आई थिंक कहानी मैटर करती है। ऑफकोर्स एक फर्क होता है एक अच्छी कहानी में और उसे एक अच्छी फिल्म बनाने में भी, एक यू नो देयर इज ऑलवेज दैट स्टेप, बट द स्क्रिप्ट मैटर्स डेफिनेटली, एंड आपका रोल उसमें क्या है और सच्चाई होनी चाहिए स्क्रिप्ट में। आई थिंक एक बनावटी कहानी का हिस्सा मैं नहीं बनना चाहूँगी, एक एक्सपीरियंस के लिए कुछ कर रही हूँ, या कभी हो सकता है यू नो एक बड़े क्या कहूँ आपसे, एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बनना भी जरूरी है हमारे लिए, बिकॉज ये एक सच्चाई है कि मैंने कितनी फिल्में की हैं, कितने नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, सुधीर मिश्रा साहब के साथ काम किया है, संजय नाग के साथ भी मैंने एक फिल्म की थी, और उसके अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी तो है ही, और के डी सब नेशनल अवार्ड सब, हाँ, लेकिन फिर भी मुझे सरप्राइजिंगली वीरे दी वेडिंग, जिसमें मेरा बहुत ही मामूली सा रोल था, नहीं करनी, हाँ मुझे वो नागिन और वो सब एनिमल्स वगैरह नहीं बनना है, और वो काला जादू और वो सास बहु की लड़ाइयाँ और वो सब जेठानी देवरानी वाला वो सब ड्रामा नहीं, मैं उसका हिस्सा बनना ही नहीं चाहती, लेकिन फिल्मों में मुझे लगता है कि एज एन एक्टर रीइन्वेंट करना बहुत जरूरी है। मैंने अभी आपको सुधीर मिश्रा साहब का एग्जाम्पल दिया, तो उनके साथ मैंने काम किया था दास देव एक फिल्म थी, और मुकेश छावड़ा साहब, मुझे लगता है ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स वी हैव इन इंडिया राइट नाउ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि काफी इसमें यू हैव टू प्ले कैरेक्टर मच ओल्डर देन योरसेल्फ, एंड बाल जो है सारे सफ़ेद करने पड़ेंगे, तो तुम देख लो, तुम्हें कोई एतराज नहीं है। तो मुझे लगा कि हाँ मैं वो करूँगी, बिकॉज दैट गिव्स मी अ चांस टू ब्रेक द मोल्ड, आई मीन यू नो not how I regularly am, so मतलब अच्छा ही है। मैं तो कहती हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अलग अलग रोल्स में कास्टिंग हो रही है और मौका मिल रहा है ये सब करने का। बिल्कुल, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा एकावली के बारे में कि एकावली ने बचपन में कमर्शियल्स में भी काम किया था और फिर थिएटर प्लेस देखना भी उनको बहुत पसंद है, तो ये जो एक्टिंग का कीड़ा था एकावली, ये स्कूल कॉलेज में हर प्रोग्राम में नाचती थी और हर प्रोग्राम में एक्टिंग करती थी, बस मौका चाहिए था जी। हाँ, तो शुरुआत आपकी स्कूल कॉलेज से हो गई थी आपने? बट हाँ, बट एक जनरल स्टैंडर्ड इंग्लिश ऑनर्स किया जैसे, और एक्टर बनना था, मेरी किस्मत में था, इट इज यू नो वो हो गया। और हाँ, ये मैं कहूँगी कि मैंने खुद पे बहुत मेहनत की है, जब मैंने शुरुआत मेरी हुई थी मुझे लगता मैं कुछ भी जानती थी, आई वॉज यू नो टेलिंग समवन दैट डे, परसों की बात है, कि इनिशियली मेरी कास्टिंग इसलिए होती थी बिकॉज आई लुक्ड इंटरेस्टिंग टू द कैमरा, अब मेरी
कास्टिंग इसलिए होती है बिकॉज मैं एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती हूँ, वो ये सोचते हैं लोग, तो फिर अच्छा लगता है ना कि अपनी भी ग्रोथ देख के एक तसल्ली होती है। बिल्कुल, तो एक अच्छे एक्टर की क्या पहचान होती है काबली, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने आपने शुरुआत बिल्कुल हम कह सकते हैं जीरो से शुरू की थी, आपने आपने सीखा इतना कुछ, तो क्या क्या चीजें एक एक्टर को सीखनी चाहिए, आप अगर एक दो टिप्स देना। अगर एक लाइन में कहूँ तो कहूँगी कि सच्चा होना चाहिए, बिल्कुल, यू नो देयर शुड बी ऑनेस्टी इन व्हाटएवर यू आर डूइंग। एंड आदिलुसन साहब की मास्टर क्लास में उन्होंने मुझसे कहा था कि यू नो द ट्रुथ इज सो डीप, इट्स लाइक एन ओशन, आप जितना सच्चाई के अंदर आप जाएंगे उतना आपको मिलेगा। सो एज एन एक्टर इट इज योर जॉब टू एक्सप्लोर दैट ट्रूथ अबाउट द एक्टर। तो वो बात जो है वो मैंने अपने पल्ले बांध ली है बिल्कुल, और उसको मैं यूज करती हूँ अपनी एक्टिंग में, और अभी तक तो ठीक ही चल रहा है सब कुछ। बिल्कुल, फ्यूचर प्लान्स, इकाबली के फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं, आपने क्या क्या करने का सोचा? बहुत ऐसे कोई प्लान्स मैंने नहीं बना रखे अपने लिए, जो अपॉर्चुनिटी देखिए अब ना मेरी जिंदगी में अब ये स्टेज आ गया है कि एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं, मैं कैसे जी रही हूँ वो मैटर करता है, विच इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई हैवंट मूव्ड टू बॉम्बे, मुझे कलकत्ते से बहुत प्यार है। जी मैं वो आपसे पूछना चाह रहा था कि क्योंकि इतने सारे स्क्रिप्ट्स हैं काबली को मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे रोल्स मिल रहे हैं, और तो आप मुंबई जाने का नहीं सोच रहे हैं क्योंकि कोलकाता आपको बहुत पसंद है? तो अब जाने की वहाँ रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग आपको चाहते हैं, जिन्हें यकीन है आपके काम पे, आपकी काबिलियत पे, वो आपको यहाँ से भी बुलाते हैं, और ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो आई हैव नो रीजन टू मूव टू बॉम्बे, कैलकटा में रह के मैं बहुत खुश रहती हूँ, मतलब ये मेरा घर है, मैं यहीं पली बड़ी हूँ, मॉडर्न हाई स्कूल की लड़की हूँ, मुझे लगता है क्यों छोड़ के जाऊँ मैं अपना घर। एंड जिस तरह से बाकी लोग जा जाके अलग अलग शहरों में काम करते हैं, मैं भी अलग शहर में जाके काम कर रही हूँ, और आजकल के ज़माने में ये पॉसिबल हो गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कास्टिंग डायरेक्टर्स की वजह से पॉसिबल हुआ है, कि स्ट्रक्चर्ड हो गई है कास्टिंग। आज से 20 साल पहले अगर मैं एक्टिंग करती तो फिर तो नहीं हो पाता, अभी हम रिकॉर्ड करते हैं, वी ट्रांसफर पे भेजते हैं, जवाब मिल जाता है हमें कि हाँ भाई आप कर रही हैं, या कोई जवाब नहीं आता। तो आई थिंक अच्छा है इट्स यहाँ पे रह के, एक्सपीरियंसेस मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे को बहुत प्लान है, जो आता है अपॉर्चुनिटी जो आती है उसे मैं एम्ब्रेस करती हूँ, अगर एक मौका मिलता है कुछ अच्छा करने का तो ज़रूर करती हूँ। हाँ ये मुझे पता है कि आज से 15-20 साल बाद मैं पहाड़ों में रहूँगी, बट इन 10-15 सालों में क्या होगा दैट विल डिसाइड। कि पहाड़ों में क्यों रहेंगी? मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, मैं नॉर्थ बंगाल या सिक्किम, मतलब दोनों में से कोई एक में आप मुझे वहीं पाएंगे आज से 20 साल बाद। और हाँ क्या बात है, इन 10-15 सालों में कितना काम कर लेती हूँ, बिल्कुल, और अच्छे अच्छे रोल्स में आपको देखना चाहेंगे काबली। जब जब मैंने आपके आपके साथ बात की, आपकी इंटरव्यू की है, और जिन जिन मूवीज के बारे में हमने बात की है वो सब मूवीज हिट हुई है, लोगों को पसंद आई है, और मैं चाहूंगा आने वाले दिनों में भी आप अच्छे अच्छे रोल्स करते रहे। वैसे मैं जानना चाहूंगा क्योंकि आप जब इंटरनेशनल डायरेक्टर्स के साथ भी आपने काम किए हैं, और इंडिया के डायरेक्टर्स के साथ, अच्छे अच्छे नेशनल अवार्ड डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किए हैं, तो कितना डिफरेंस मानती हैं बाहर का जो वर्क कल्चर है और यहाँ का जो वर्क कल्चर है, इसमें कुछ डिफरेंस लगता है कि एक जैसा ही है सब? एक दो अगर कुछ आप बताना चाहें। एक जैसा तो खैर देखिए नहीं, बहुत अलग है, राइट? बहुत अलग, देखिए एक चीज कॉमन है, दैट इज पैशन फॉर सिनेमा। जी, फिल्म बनानी है, ये पैशन यहाँ पे। टेक्नोलॉजी अलग होगी कुछ, उनका उनका एडवांस जा रहा होगा, सोच कैसी रहती है डायरेक्टर्स की, आपने जब काम किए उनके साथ, तो सबसे बड़ा जो मुझे डिफरेंस लगा है कि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। क्या बात, बहुत पंक्चुअल है और बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब हर एक चीज में वो इतनी गहराई से घुस के एक प्लानिंग होती है उनकी, वो यहाँ नहीं होती। और एक चीज जो मुझे लगता है कि एक यहाँ पे ना हमारे इंडियन एक फिल्म सेट पे जी, एक थोड़ी ब्लेम गेम की बहुत आदत है। ओके, कि वो उसको ब्लेम करता है, उसको हाँ, ब्लेम करता है, उसको तो ब्लेम करता है। ये तो हर जगह है सिर्फ मूवीज में नहीं है, या फिर इंडियन मूवीज में, इंडियन सिनेमा में नहीं होता है, ये वो वहां नहीं होता। ओके, वहाँ सब अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी को ईगोस जो है ईगो प्रॉब्लम कम है इतनी ज्यादा, पर यहाँ समाओ थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर ईगोस कम होंगी तो शायद और अच्छा काम होगा। ओके, तो इकाबली जैसे कि आपने कहा कि और आने वाले 10 से 15 साल अच्छे अच्छे रोल्स करते हुए नजर आएंगे उसके बाद। जी, ये मेरी ख्वाहिश है, मेरा ख्वाब है कि पहाड़ों में मेरा एक छोटा सा घर हो, वहाँ एक फायर प्लेस हो, और वहाँ अपने किताब खोल के कॉफी के मग के साथ आराम से बैठ के मजे लो जिंदगी के। क्या बात है, ये ख्वाहिश है मेरी, पूरी हो जाएगी। तो जैसे कि आपने कहा कि आप कमर्शियल मूवीज भी करना चाहती हैं, हर तरह की मूवीज आप करना चाहती हैं, तो किस एक्टर के साथ आप काम करना चाहेंगी बता, तो ऐसे कोई टेंशन नहीं है। इरफान साहब, इरफान सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। और नसीर साहब भी, मैं बहुत, नसीर साहब और रत्ना पाठक शाह दोनों की मैं बहुत इज्जत करती हूँ एज एक्टर,
बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं आई थिंक जिनके साथ मैं काम करना चाहूँगी. पंकज त्रिपाठी हैं. पंकज के साथ तो वो तो है अंग्रेजी में कहते हैं मैं थे लेकिन मेरा कोई सीन आप, नहीं था. बिल्कुल वो इंटरव्यू के दौरान हमें पता चला था कि आप लोगों का एक साथ सीन नहीं था तो उनके साथ भी काम करना चाहेंगे. वैसे इस वक्त हम ऑन एयर जाने वाले और भी बहुत सारे सवाल एकावली के लिए आने वाले. आप हमारे साथ बने रहो. जी हाँ, इस वक्त आप घड़ी मिला लो, 12:35 हो गया है टाइम. फ्रेंड्स संडे फंडे का दूसरा घंटा जो है वो सुपर डुपर हिट हो चुका है क्योंकि हमारे साथ इस वक्त एक्ट्रेस एकावली खन्ना है. अभी अभी इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है फॉर द मूवी अंग्रेजी में कहते हैं. बहुत ही अच्छा इनका रोल था और लोगों को बहुत पसंद आया है. एकावली के साथ हमारे फ्रेंड्स एफएम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे बातें हो रही, ढेर सारे सवाल उनसे मैंने पूछ लिए हैं. मैं जानना चाहूंगा एकावली, एक और सवाल आपके लिए आया है, आपके फैंस आपसे पूछना चाह रहे हैं क्योंकि दो दिनों से करीब चार दिनों से हम पूछ रहे थे कि आपके साथ बातें होगी तो आपके फैंस के सवाल जो है वो आ रहे हैं. तो आजकल एक नया ट्रेंड एकावली चला हुआ है कि वेब सीरीज का ट्रेंड जिसे कहा जा रहा है. तो टेलीविजन हमने देख लिया, हमने मूवीज देख ली, अब वेब सीरीज जो है वो आने वाले कई सालों में और ज्यादा लोगों के दिल को छुएगा और अब वेब सीरीज के साथ हर एक एक्टर जो है वो जोड़ रहा है. तो आप क्या कहना चाहती हैं, वेब सीरीज का फ्यूचर क्या है? बहुत एक्साइटेड हूं इस बारे में और मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है कि वेब सीरीज में लोग खुल के फिल्में बना रहे हैं. इतना कुछ सेंसरशिप का भी कुछ नहीं. अभी सेक्रेड गेम्स इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल. बिल्कुल, इतनी सक्सेसफुल हुई है, इतने लोगों ने देखी है और हिंदुस्तान में अच्छी वेब सीरीज अब बनने लगी हैं और मैं डेफिनेटली उनका हिस्सा बनना चाहूंगी अगर मुझे मौका मिला एंड इफ देयर इज समथिंग सूटेबल फॉर मी. बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप वेब सीरीज में भी काम करें. वैसे थोड़ी देर पहले मैं बता दूं कि हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पे एकावली ने कहा है कि आने वाले 15 सालों के बाद वे पहाड़ों पे रहना चाहती हैं. ऐसा क्यों? बस पहाड़ बहुत पसंद है. ओके. और पता नहीं दार्जिलिंग से तो खास करके कालिम्पोंग और दार्जिलिंग से मेरा एक बड़ा बहुत मीठा बहुत अच्छा रिश्ता है. मुझे वहाँ जाके हमेशा बहुत सुकून भी मिलता है और वहाँ के लोग भी मुझे बहुत, अब तो मैं बहुतों को जानती भी हूँ वहाँ पे. कुछ साल में एक दो बार तो मैं जरूर जाती हूँ. शुरू में इसलिए जा रही थी बिकॉज वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल हॉलीडे थी, पर अब तो मुझे लगता है कि कुछ महीनों बाद मुझे ऐसा लगने लगता है कि बस मुझे पहाड़ों में भाग के जाना है. पहाड़ों की ओर आप बहुत आकर्षण भी है और मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है और बड़ी ताजी खुली हवा. लेकिन हम सब जानते हैं कि एकावली का फेवरेट सिटी जो है वो सिटी ऑफ जॉय कोलकाता है. कोलकाता की है, मॉडर्न हाई से इन्होंने पढ़ाई की थी. और तो मुझे बताना चाहेंगे सिटी ऑफ जॉय कोलकाता सबसे अच्छी चीज क्या लगती है यहाँ की आपको? यहाँ के लोग, ये मेरे अपने लोग हैं. मतलब मैं यहाँ पे वार्म्थ है, देखिए जो कुछ मैं ये नहीं कह रही कि दूसरे शहरों में नहीं है लेकिन जो वार्म्थ मुझे यहाँ महसूस होती है वो मुझे और किसी शहर में महसूस नहीं होती. मैं आज का आपको एक बहुत ही मामूली सा एग्जांपल देती हूँ. साड़ी जल्दी से पहनी और मुझे सेफ्टी पिन नहीं मिल रहा था तो फटाफट मैंने मतलब हमारे आनंदो जी हैं उनको मैंने कहा कि नीचे जाओ पियाली बहू दी है उनसे सेफ्टी पिन मांग के ले आओ. तो ये जो एक अपनापन है ना एक कलकत्ता का तो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है. और ये प्यार जो है हमेशा बना रहेगा. और यहाँ सब लोग पूछते हैं, जैसे यहाँ मैं अगर कभी कुछ काम करती हूँ और सेट पे भी जाती हूँ तो लोग मुझे मेरे बेटों के बारे में पूछते हैं कि ये क्या होना चाहिए, छेलरा क्या होना चाहिए, कत बड़ो है क्या की कोर्स है कौन. मतलब अच्छा लगता है कि लोगों को लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में. अब आप बाहर जाओगे तो वहाँ कोई किसी से बात ही नहीं करेगा. यू नो लाइफ इज टफर देन. बम्बई में भी बहुत, मेरे बहुत से दोस्त बम्बई में रहते हैं और बम्बई के लोग भी कमाल हैं लेकिन वहाँ लोगों के पास ना इतना वक्त नहीं है. वहाँ 24 घंटे जो है वो इतने से हैं और यहाँ के 24 घंटे इतने हैं. सो देयर इज अ लॉट मोर दैट हैपेंस हियर. और यहाँ एक ठहराव है कलकत्ते में जो कि मुझे लगता है और किसी शहर में नहीं है. यहाँ हम वक्त निकाल के एक ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में बैठ के चाय भी पी सकते हैं और आराम से जाके नाटक भी देख सकते हैं और बाकी शहरों में तो हम भागते रहते हैं. बिल्कुल.
और ये भाग दौड़ जो है वो लगी हुई है, और कोलकाता जो है हमेशा से हम सबका फेवरेट बना रहा है और बना रहेगा। वैसे काबली, अब कुछ कहना चाहेंगे अपने फैन से, क्योंकि इतना प्यार आपको मिला है कोलकाता से, तो कोलकाता के फैन से कुछ कहते आइए, अपने फ्रेंड से कुछ कहते आइए। फ्रेंड्स एफएम पे आप इस वक्त हैं, और एक बार फिर से आपके सभी फ्रेंड्स की ओर से मैं बधाई देना चाहूँगा बेस्ट एक्टर के अवार्ड के लिए जो आपको मिला है। बहुत मेहनत आपने की थी और इसीलिए ये अवार्ड जो है आपको मिला। कुछ कहते हैं प्लीज। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी सबसे पहले कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सबका। मैंने एक्चुअली ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कभी कि मुझे ऐसे ऐसे रोल्स मिलेंगे, और आप लोग उस काम को सराहेंगे, आप इसकी तारीफ करेंगे, आप मुझे शाबाशी देंगे। तो इतना जो मुझे सपोर्ट मिला है लोगों का, कि लोग मेरे बारे में पूछते हैं, मेरा काम देखना चाहते हैं, आई थिंक द ऑडियंस हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई बिकमिंग एन एक्टर एंड बींग एन एक्टर हु इज डूइंग द काइंड ऑफ वर्क आई वॉन्ट टू डू। बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, यू नो, दे आर वेरी टैलेंटेड, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, उनको जी सपोर्ट नहीं मिलता। मैं यही कहूँगी कि जो थोड़ी छोटी फिल्में भी हैं ना, उन्हें देखिए। मैं सारे प्रोड्यूसर्स से कहूँगी कि आप बड़ी बड़ी फिल्में तो बना लेते हैं, लेकिन ढूंढिए, अच्छे स्क्रिप्ट ढूंढिए, और बहुत सारा टैलेंट है खास करके कैलकटा में, फिल्में बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी अच्छी फिल्में बनाइए। और एकाबली, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इट्स एफएम के माय स्टूडियो में डिलाइट आने के लिए, बहुत अच्छा मुझे लगा। हमेशा और मजा आता है आपसे बात बिल्कुल, थैंक यू सो करके। मच, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह के चैलेंजिंग अच्छे अच्छे रोल्स करते जी रहे, हम जी सबको एंटरटेन करते रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू, एकाबली थैंक खन्ना यू, हमारे बहुत साथ इस वक्त थी, शुक्रिया। जिनको थोड़ी दिन पहले ही बहुत ही अच्छा एक बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, जो अंग्रेजी में कहते हैं मूवी के लिए, और वे इस वक्त हमारे स्टूडियो में थी। बहुत सारी बातें हमने उनके साथ की और बहुत सारी चीजें आज हमें जानने को मिला है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे जानने को मिली है वो है कि 15 साल बाद चाय पीते हुए माउंटेन्स में, यानी कि पहाड़ों में कहीं पे, एकावली अपने घर में, छोटे से घर में रहते हुए किताबें पढ़ते हुए नजर आएंगे। एकावली, मैं जरूर आऊंगा कॉफी पीने। बिल्कुल आइए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं, आपके लिए गाने आने वाले हैं। मैं जरा कॉफी पिला दूं अपने ऑफिस में, स्टूडियो में बैठा के, हाँ, फिलहाल एकावली को। चलिए, टेक केयर। बिल्कुल एकावली, थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आई। मैं चाहूंगा कि और भी आप अच्छे अच्छे रोल्स करें। तो एकावली, अब जाने का समय हो चुका है, और मैं आपको एक बार फिर से बधाई देता हूं, क्योंकि आप हमारे स्टूडियो में आई, अच्छे अच्छे रोल्स आप और भी करते रहिए। नेक्स्ट टाइम मैं चाहूंगा आप एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आए, एक और मूवी को लेकर बातें होगी, एक और आपके प्रोजेक्ट को लेकर हम बातें करेंगे। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।